जाएंगे हम वहाँ जहाँ की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से उठा। पहुँचेंगे हम भारत के कोने कोने में, भारत के हर राज्य की खबर से आपको करेंगे रूप। दृष्टि नाउ न्यूज बनेगा आपकी आवाज। दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। बीते कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे राजधानी रांची वासियों को शनिवार बारिश ने राहत दी है। दरअसल दिन में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस बीच राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में खूब बारिश देखने को मिली। बारिश की ठंडी झोंकों से लोगों ने काफी राहत महसूस की। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है और उम्मीद के मद्देनजर बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भी बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। आपको बताते चलें कि इस समय बंगाल की खाड़ी में मानसून के बदलाव की नमी पहुंच रही है, इस वजह से बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों में बारिश हो रही है। झारखंड राज्य में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन और वज्रपात के साथ देखी गई है और जो सबसे अधिक बारिश है वो 40 मिलीमीटर जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 44.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि आने वाले 5 दिनों मौसम पूर्वानुमान की, तो उससे पहले जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिलेगा और एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो 22 तारीख से भी सक्रिय होगा और जो उत्तर पश्चिम भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। तो जो दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ हैं इनके असर से आने वाले दिनों में जो मौसम गतिविधियां हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बात करें तो 22 तारीख से थोड़ी सी राज्य में वर्षा भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मौसम पूर्वानुमान के हिसाब से 20 तारीख में जो पूर्वी भाग है संथाल कोल्हान ये सब जो भाग हैं वहां पे कुछ स्थान पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और यही स्थिति 21 तारीख को भी रहेगी और उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी के साथ साथ में मध्य भागों में भी आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 23-24 तारीख में आपको 22-23-24 तीन दिन राज्य में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 20 तारीख को जो आपके पूर्वी भाग है वहां पर गर्जन वज्रपात की चेतावनी है। 21 तारीख को पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी के साथ में जो मध्य भाग है वहां पर गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। 22-23 और 24 ये तीन दिन में राज्य में कहीं कहीं पे गर्जन और वज्रपात के साथ जो हवा की गति है 22-23 को खासकर 40-50 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय चलने की संभावना है और वही 24 तारीख की बात की जाए तो राज्य में जो कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ जो हवा की गति है वो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। अब तापमान की बात करें तो आने वाले दो दिन 20-21 तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात जो दो तीन दिन है खासकर 22-23-24 में उसमें अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि जो मौसम में जो बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी झारखंड में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी और जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका भी असर देखने को मिलेगा और 22-23-24 में थोड़ी सी रेनफॉल में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं मानसून का क्या स्थिति अभी है, तो मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बड़ी अनुकूल बनी हुई है और वह दक्षिणी आपका बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर अग्रसर है। वही अरेबियन सी ब्रांच की बात करें तो वो दक्षिणी अरब सागर और जो दक्षिणी मालदीव से वहां तक वो पहुंच गया और आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कुल मिला के मानसून की भी स्थिति अभी अनुकूल और अच्छी दिखाई दे रही है। धन्यवाद।